विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के बीना के खिमलासर रेलवे गेट के पास ऑटो में सवारियां बैठाने की बात को लेकर एक बस कंडक्टर ने ऑटो चालक से मारपीट कर दी, जिसके बाद सभी ऑटो चालक कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। बता दें कि बीना से ऑटो द्वारा अपने गंतव्य तक जाने कोई भी व्यक्ति जल्द पहुंचने के लिए ऑटो बुक करके ले जाता है, लेकिन ऐसा आरोप है कि बस संचालकों के द्वारा ऑटो चालक से मारपीट कर यात्रियों के लिए बस में बैठने को मजबूर किया जाता है। ऐसा एक मामला खिमलासा रेलवे गेट के सामने देखने को मिला, जब एक ऑटो चालक उत्तर प्रदेश के धौरा सवारी लेकर जा रहा था, तभी उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे ऑटो चालकों द्वारा थाने में कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। हम जा रहे थे सीधे धौरा के लिए, सवारी ने बुक किया ऑटो, सवारी ने, हम ऑटो लेके जा रहे थे, गेट लगा मिला हमें, खिमलासा गेट लगा मिला, तो हमने बैक कर लिए, तो बाजू से जा रहे थे तो वो रास्ता बंद था, तो हमने कि चलो बस स्टैंड में से निकल जाएंगे, लेकिन बस स्टैंड के वहाँ नहीं आ पाए, हमने बैक ही कर पाई। उसके पहले वहाँ से कंडक्टर लोग आए बस के, उन्होंने ना हमारे साथ बिल्कुल, हम उनसे कह भी रहा पहले सवारी से पूछो कहाँ जाना है, उन्होंने देखा ना, रख देखा उन्होंने, तो बस खींचा कि तू सवारी इधर क्यों नहीं उतार रहा था बस स्टैंड पे, और बस खींच के और उन्होंने मारना चालू कर दिया। 8-10 लोग थे, तो समझ में ही नहीं आया कौन ने कितने मारे हमें चांटे। लखेरा बस बोल रहा था, वो तो कह देना कि लखेरा बस वाले हैं हम, ऐसा बोल रहा था वो तो सीधा। 5-7 लोग थे। मतलब जो काम है ना जी, हमेशा से होता आ रहा। अभी सुबह सवारी लेके धौरा जा रहा था एक ऑटो वाला बीना स्टेशन से, तो गेट बंद होने के कारण वो ऐसा मोड़ के लाया गाड़ी, मुड़ के लाए तो सवारी से ना कुछ पूछी ना ड्राइवर से पूछी कि क्या बात है भाई कहाँ की सवारी, आते साथ हाथापाई करने लगे। और जो रोज का काम है हमेशा बस वालों की पूरी गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा जे बताइए, जब गाड़ी वाला सेल्फ गाड़ी करके लाएगा तो उसमें बस कैसे इन्वॉल्व हो जाएगी, ये बताइए आप। और धौर्रा किसी भी प्रकार की कोई बस नहीं जाती, पूरे लॉकडाउन में जितने ऑटो वालों ने मदद करी है शायद ही कहाँ के कहीं के ऑटो वालों ने करी हो, सब जगह बाकायदा सवारी छोड़ने गए, सवारी को घर तक पहुँचाया, किस पे पैसे हो या ना हो इतनी व्यवस्था करके भी पूरे लॉकडाउन से जितनी भी सवारी है उनकी सबकी परेशानियों को देखते हुए आके बाकायदा सवारी को छोड़ने गए। बस आज जे आज की कहानी नहीं है, इनकी मर्जी, जब चाहे जिस चाहे बस वाले पकड़ लेता है ऑटो वाले को, अपने सर्वोदय चौराहे पे लगा लीजिए आप, बस खड़ी करके खड़े हो गए। अब जैसे हम लोग बीना स्टेशन से सवारी लेके आए, सवारी का 15-15 रुपये रेट है, यहाँ से कम 4-4.5 किलोमीटर पड़ता है बस स्टैंड, अगर आए आपने दही पे रोकने लगते हैं कि भैया सवारी रोको रोको खुरई की सवारी है, तो ऐसा थोड़ी होता भैया। जब जो बस स्टैंड निर्धारित किया गया है तो बस स्टैंड पर ही बस से खड़ी करो, और वहीं पर ऑटो आएंगी बराबर, वो जहाँ चाहे मन मर्जी से जहाँ चाहे बिल्कुल सब जगह लगा देते हैं। तो घटनाक्रम क्या हुआ, घटनाक्रम में जो हुआ कि ऑटो वाले के संग मारपीट करी गई है, और सवारी भी पूरे गवाह दे रही है कि सवारी ने भी बताया कि भैया किस बात की मारपीट कर रहे हैं, तो सवारी से भी उल्टा सीधा बदतमीजी करके बात करी गई। हम लोग ये चाहते हैं कि TI महोदय आ जाए, तो इसमें FIR करें, सख्त सख्त कार्रवाई करें बस वालों के ऊपर। वो बस वालों पे ऐसे कंडक्टर हैं, इन पे लाइसेंस कहाँ से है कंडक्टर का, ये भी तो बताएं है, जो तो पूरे बस पूरी मतलब अपने बस गुंडे फैलाए हुए हैं कि भैया जब चाहे जहाँ मर्जी जो चाहे रोक लिया। बीना से मनोज वाधवानी के साथ रामकुमार अहरवाल, सागर TV न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।